भाई लेटेंसी बिल्कुल है ही नहीं। हेलो गाइस, दिस इज आकाश और आप देख रहे हैं हाइजेनबर्ग। वापस आ चुके हैं आज हम लोग एक और सुपर वीडियो के साथ में, और आज हमारे पास हैं विंग्स के वल्कन। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं एक गेमिंग ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स जिसमें आपको जीरो लेटेंसी मिले, तो वो ऑप्शन आज मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ। अ बिग थैंक्स टू शरद भाई जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ये ईयरफोन्स, ये ईयरबड्स उन्हीं को बिलोंग करते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर हम करेंगे इसी बॉक्स की अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे इसके सारे ही कमाल के फीचर्स। तो यहाँ पर बॉक्स के पीछे जो प्राइसिंग लिखी हुई है वो है 4,500 रुपीज़, बट इसकी एक्चुअल प्राइसिंग मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर से बताऊँगा। बॉक्स को ओपन करते ही सामने हमें मिलता है हमारा चार्जिंग केस और हमारे ईयरबड्स। चार्जिंग केस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। अब बात करूँ मैं अगर केस की और ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स की, तो दोनों में ही आपको प्लास्टिक का बिल्ड देखने को मिलेगा और दोनों में ही आपको RGB लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। केस के पीछे यहाँ पर आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है जिससे आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं अपने इन्हीं ईयरबड्स को। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 10 वॉट से ज़्यादा का फास्ट चार्जर यूज़ ना करें, क्योंकि उससे केस की बैटरी लाइफ और ईयरबड्स की बैटरी लाइफ थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 10 वॉट का चार्जर ही यूज़ करें। दोनों ही ईयरबड्स के ऊपर यहाँ पर आपको MEMS के माइक्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी डिसेंट होगी। इंडोर्स में आपको बिल्कुल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, गेमिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, आउटडोर्स में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर सा देखने को मिलेगा। बात करूँ मैं बॉक्स कंटेंट्स को, यहाँ पर आपको एक Type-A to Type-C चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में एक वारंटी कार्ड और आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगी। इसके अलावा बॉक्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी देखने को मिलेंगी, यानी कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी टिप लगाकर यहाँ पर इन्हीं ईयरबड्स को यूज़ कर सकते हैं। बात करें अब अगर इन्हीं ईयरबड्स के फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगी। बैटरी जो है इन ईयरबड्स की, यहाँ पर 400 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको केस के साथ में देखने को मिलेगी, जिसका प्लेबैक टाइम है 25 घंटे का। साथ ही साथ में सिंगल चार्ज में यहाँ पर ये ईयरबड्स 3 से 4 घंटे तक आराम से चल पाएंगे। बाकी वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का म्यूज़िक सुनते हैं और किस तरीके की गेमिंग करते हैं। हैवी गेमिंग करते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा कम बैकअप देखने को मिले। बात करूँ यहाँ मैं अगर पेयरिंग रेंज की, तो 10 मीटर तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप आराम से म्यूज़िक इन्जॉय कर सकते हैं, यानी कि आपका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल से भी नहीं टूटेगा। बात करूं मैं अगर अब म्यूज़िक क्वालिटी या फिर कॉल क्वालिटी की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो माइक क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट है, यानी कि आपको इंडोर्स में या फिर गेमिंग के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इन ईयरबड्स को यूज़ करते हुए। बात करूं मैं अगर म्यूज़िक क्वालिटी की, तो म्यूज़िक क्वालिटी भी इन ईयरबड्स की काफ़ी डिसेंट है। बेस जो आपको देखने को मिलेगा, आपको एक मीडियम बेस इन ईयरबड्स के साथ में देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा हाई या फिर थम्पी बेस आपको देखने को बिल्कुल से नहीं मिलेगा। तो आप एक ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस ज़रूर से कर पाएंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम में जब भी आप गाने सुनेंगे, तो मुझको तो वैसा कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ। स्टीरियो इफेक्ट इन्हीं ईयरबड्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बात करूँ मैं अगर वोकल्स की, इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स की, तो आपको सभी एकदम क्रिस्प क्लियर सुनाई देने वाली हैं। ओवरऑल रेटिंग दूँ मैं अगर इसकी म्यूज़िक क्वालिटी की, तो मैं इसको यहाँ पर देना चाहूँगा 7/10 की रेटिंग। तो ओवरऑल आप लोग काफ़ी अच्छा म्यूज़िक एक्सपीरियंस इन्हीं ईयरबड्स के साथ में उठा पाएंगे। अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग अपनी मेन चीज़ की तरफ, जो कि है इन्हीं ईयरबड्स का लेटेंसी टेस्ट, जिसकी वजह से शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ पर आए होंगे। तो हम लोग फटाफट से करेंगे यहाँ पर अपना लेटेंसी टेस्ट। बता दूँ मैं आप सभी को कि यहाँ पर हमने एक ईयरबड्स जिस फ़ोन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके माइक्रोफोन के पास रखा है, और एक ईयरबड यहाँ पर हम आपको साइमल्टेनियसली वीडियो के सामने शो करते रहेंगे। तो ये कहीं और से आवाज़ मैं आपको नहीं शो कर रहा हूँ, ये एकदम रियल टाइम टेस्ट होगा लेटेंसी का। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस इन्हीं ईयरबड्स के साथ में है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इन्हीं ईयरबड्स को पहन के मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा 1v1 खेले, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, BGMI में। तो जो फुटस्टेप्स हैं, जो गन की साउंड्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर हैं। आपको बिल्कुल भी लेटेंसी पता ही नहीं चलेगी इन ईयरबड्स को पहन के। ऑल दो बॉक्स के ऊपर मैंशन है कि यहाँ पर आपको 65 ms तक की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, बट जब आप एक्चुअल में रियल टाइम गेमिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी लेटेंसी देखने को नहीं मिलेगी, और आपको जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है।
बात करूं अब मैं अगर ओवरऑल कंक्लूजन की, तो क्या मैं आपको गेमिंग के मामले में इन ईयरबड्स को रिकमेंड करूंगा अंडर द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 2000? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल से येस, मैं ये ईयरबड्स आपको बिल्कुल से रिकमेंड करूंगा। अगर आप एक ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स विद जीरो लेटेंसी या फिर बहुत ही कम लेटेंसी ढूंढ रहे हैं गेमिंग के लिए और साथ ही साथ में अपनी डे टू डे लाइफ में म्यूजिक सुनने के लिए, तो आप इन्हीं ईयरबड्स के साथ में बिल्कुल से जा सकते हैं। बात करूं अब मैं अगर प्राइस की, तो 1500 रुपीज़ में विंग्स लाइफस्टाइल की साइट पे या फिर अमेज़ॉन पे आपको ये अवेलेबल मिल जाएंगे। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो के लिए, हम इस वीडियो को करेंगे अब रैप अप। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, हमारी इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी फॉलो ज़रूर से करिएगा, और इस प्रोडक्ट की लिंक हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइज़ मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज़ एंड कीप लाफिंग।